आयोजित की गई। बैठक में त्रिपुरा में जो आगामी चुनाव है उसके बारे में चर्चा हुई और केंद्रीय चुनाव समिति ने त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर जो स्वीकृति प्रदान की है उससे आपको अवगत कराने के लिए नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भाई संबित पात्रा जी हम लोगों के मध्य। मेरा संबित पात्रा जी से आग्रह कि आप लोगों को केंद्रीय चुनाव समिति ने जो स्वीकृति प्रदान की है उससे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनिल बलूनी जी। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष सीईसी द्वारा जो मान्यता दी गई है नामों को वो नाम पढ़ूं, त्रिपुरा में जो माननीय मोदी जी ने काम किए हैं और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से त्रिपुरा कैसे आगे बढ़ा है और पुनः त्रिपुरा में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उन कारणों को उल्लेखित करना चाहूंगा। मित्रों, आप जानते हैं कि त्रिपुरा एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसके प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के लिए निरंतर किस प्रकार से त्रिपुरा का विकास हो, किस प्रकार त्रिपुरा डेवलप करे, इन विषयों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 25 लाख त्रिपुरा वासियों को मुफ्त राशन हर महीने मिल रहा है। 2019 से पहले जब जल जीवन मिशन आरंभ नहीं हुआ था मात्र 3% हाउस होल्ड जो त्रिपुरा में थे वहां तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा था। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं मोदी जी के उन्नति के कार्यों के कारण और जल जीवन मिशन के माध्यम से अब लगभग 53% घरों में अर्थात 6.3 लाख हाउस होल्ड को अब पीने का शुद्ध पेयजल मिलता है। ठीक उसी प्रकार 3.5 लाख गरीबों को त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास दिया गया है, उन्हें घर दिया गया है। लगभग 12.5 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनको आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 4.5 वर्षों में लगभग 4 लाख टॉयलेट स्वच्छ भारत के अंतर्गत त्रिपुरा में निर्मित किया गया है। त्रिपुरा को आप जान के आश्चर्य होगा आपको कि 2009 और 14 के बीच में जो सेंट्रल डेवलपमेंट स्कीम्स के फंड जाते थे, हमारी सरकार नहीं थी, जो कम्युनिस्ट की सरकार थी उसके समय जो सेंट्रल डेवलपमेंट फंड जाती थी वो 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ का था, 350 करोड़ का था, 3,500 करोड़, और अब वो 14,000 करोड़ का है। 3,500 से 14,000 करोड़ का इजाफा यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ठीक उसी प्रकार किसानों की यह सरकार है त्रिपुरा में आज, और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का जो एक बहुत बड़ा रकम गया है उसने लगभग 2.5 लाख फार्मर्स 2.5 लाख किसानों के खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए गए हैं। त्रिपुरा की सरकार ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और त्रिपुरा की भी जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 20% डीए और डीआर 1440 करोड़ की लागत से बढ़ाया है। मुख्यमंत्री युवा जोगाजोग योजना के माध्यम से लगभग 10,000 युवकों को 2021 में 9,500 मोबाइल फोन बांटे गए। ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब्स में 33% वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है मार्च 2022 में। एक बहुत बड़ा विषय है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महिला स्वयं सहायक ग्रुप्स होती है, एसएसजी ग्रुप्स होती है, वो पहले 4,000 थी, अब उसे बढ़ा करके 35,000 कर दिया है, जिससे महिलाएं अब खुद अपने पैरों पे खड़े होने में सक्षम बनी है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ट्राइबल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट का था उसे महाराजा वीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला के नाम से
प्रचलित किया गया और उसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से उसका नवीनीकरण इत्यादि किया गया। प्रति घरे सुशासन, ये एक वेलफेयर स्कीम त्रिपुरा का था जो 3 लाख घरों तक पहुंचने में सफल रहा और अंत में ट्राइबल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोकबोरोक, जो कि वहां का प्रमुख ट्राइबल लैंग्वेज है, वो अब 944 स्कूलों में पढ़ाया जाता है, चकमा 58 स्कूल में पढ़ाया जाता है और हलाम कुकी 50 स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यह एक सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास और सबके प्रयास का योजन है। इसके साथ अब मैं कैंडिडेट के लिस्ट को डिक्लेयर करता हूं। मैं इसमें विधानसभा वार विधानसभा का नंबर भी बताऊंगा, विधानसभा का नाम और उम्मीदवार का नाम बताऊंगा। पहला 8 नंबर विधानसभा टाउन बोर्डोली, जहां से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। 2 नंबर विधानसभा मोहनपुर रतन लाल नाथ। 3 नंबर विधानसभा बामुटिया श्री कृष्णधन दास। 4 नंबर विधानसभा बरजला डॉक्टर दिलीप कुमार दास। 5 नंबर विधानसभा खैरपुर श्री रतन चक्रवर्ती। 7 नंबर विधानसभा रामनगर श्री सुरोजित दत्त। 9 नंबर विधानसभा बनमालीपुर श्री राजीव भट्टाचार्य। 10 नंबर विधानसभा मजलिशपुर श्री सुशांत चौधरी। 13 नंबर विधानसभा प्रतापगढ़ श्री रेबती मोहनदास। 14 नंबर विधानसभा बादारघाट सुश्री मीना रानी सरकार। 15 नंबर विधानसभा कमला सागर श्रीमती अंतरा देव सरकार। 16 नंबर विधानसभा विशालगढ़ श्री सुशांत देव। 17 नंबर विधानसभा गोलाघाटी श्रीमती हिमानी देववर्मा। 19 नंबर विधानसभा चारीलाम, यहां से श्री जिष्णु देववर्मा जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो उम्मीदवार हैं। 20 नंबर विधानसभा बक्सानगर श्री तफज्जल हुसैन। 21 नंबर विधानसभा नलछर श्री किशोर बर्मन। 22 नंबर विधानसभा सोनामुरा श्री देवव्रत भट्टाचार्य जी। 23 नंबर विधानसभा धनपुर सुश्री प्रतिमा भौमिक जो यूनियन मिनिस्टर हैं। 23 नंबर विधानसभा धनपुर सुश्री प्रतिमा भौमिक। 25 नंबर विधानसभा खोवाई श्री सुब्रतो मजुमदार। 27 नंबर विधानसभा कल्याणपुर प्रमोद नगर, ये एक ही नाम है, यहां से श्री पिनाकी दास चौधरी। 28 नंबर विधानसभा तेलियामुरा श्रीमती कल्याणी राय। 30 नंबर विधानसभा बागमा श्री रामपद जमातिया। 31 नंबर विधानसभा 31 नंबर विधानसभा राधा किशोरपुर श्री प्रणजीत सिंह राय। 32 नंबर विधानसभा माताबाड़ी श्री अभिषेक देवरॉय। 33 नंबर विधानसभा काकराबन सालगढ़ श्री जितेंद्र मजुमदार। 34 नंबर विधानसभा 34 राजनगर श्रीमती स्वप्ना मजुमदार। 35 बेलोनिया श्री गौतम सरकार। 36 शांतिर बाजार श्री प्रमोद रियांग। 37 ऋष्यमुख श्री दीपायन चौधरी। 39 मनु श्री माइलाप्रू मॉग। 39 मनु श्री माइलाप्रू मॉग। 40 शब्रुम श्री शंकर रॉय। 41 ओम्पीनगर सुश्री पातालकन्ना जमातिया। 41 ओम्पीनगर सुश्री पातालकन्ना जमातिया। 42 अमरपुर श्री रंजीत दास। 44 रायमा वैली श्री विकास चाकमा। 45 कमलपुर श्री मनोज कांति देव। 46 सुरमा श्रीमती स्वपन दास पॉल। 47 अंबासा सुश्री सुचित्रा देव वर्मा। 49 चाउमुनु श्री शंभुलाल चाकमा। 50 पाबियाचरा श्री भगवान चंद्र दास। 51 फटिक राय श्री सुधांशु दास। 52 चंदीपुर श्री टिंकू रॉय। 53 कैलाशहर मोहम्मद मुबशर अली।
54 कदमतला कुर्ती श्री दिलीप तंती, ये चाय बगान के एक जाने माने कार्यकर्ता है और त्रिपुरा में चाय बगानियों का एक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप भी है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। तो वहां से दिलीप तंती है, कदमतला कुर्ती दिलीप तंती। 55 बागबाशा श्री जादवलाल नाथ। 56 धर्मनगर श्री विश्वबंधु सेन। 57 जुबराज नगर श्रीमती मलिना देवनाथ। 58 पानी सागर श्री विनय भूषण दास। 59 पेंचारथल श्रीमती सांतना चाकमा। सीट्स हमने आज डिक्लेयर किए हैं और 12 सीट 48 आउट ऑफ 60 48 सीट्स हैव राइट नाउ बीन डिक्लेयर्ड। 12 सीट यथाशीघ्र पार्टी आपके समक्ष रखेगी और आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने जिन महिलाओं को टिकट दिया है, हमारी बहनों को, मैं उनका नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि गर्व के साथ हम कह सकें कि आज त्रिपुरा में बहुत ही सम्मान के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ रही हैं हमारी महिलाएं, तो हम आज उन्हें नमन करते हैं। बादारघाट से सुश्री मीना रानी सरकार, कमला सागर से श्रीमती अंतरा देव सरकार, गोलाघाटी से श्रीमती हिमानी देव वर्मा, धौनपुर से सुश्री प्रतिमा भौमिक, तेलियामुरा से श्रीमती कल्याणी राय, राजनगर से श्रीमती स्वप्ना मजुमदार, ओम्पी नगर से सुश्री पातालकन्ना जमातिया, सुरमा से श्रीमती स्वप्ना दास पाल और अम्बासा से सुश्री सुचित्रा देव वर्मा, जुबराज नगर से श्रीमती मलिना देवनाथ और पेंचारथल से श्रीमती सांतना चाकमा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा 11 हुई गर्म